हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी मेकर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जनरल अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट टॉप 20 एमसीक्यू डिटेल में डिस्कस करेंगे। यह जनरल अवेयरनेस की सीरीज का पार्ट 28 है, जो कि आपके आने वाले रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस बैंक और ऑल एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल है। ये क्वेश्चन सर कॉम्पिटेटिव एग्जाम से बार बार पूछे जाते हैं और बार बार रिपीट होते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट भी जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले दोस्तों आज का थॉट जान लेते हैं। आज का थॉट है वी डू नॉट रिमेंबर डेज, वी रिमेंबर मोमेंट्स। ओके दोस्तों, तो हमारा क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में अक्टूबर 1959 में पहली बार पंचायत राज की शुरुआत की गई थी। बताइए दोस्तों कौन सा राज्य था वह है? तो दोस्तों वह था राजस्थान। ओके, ये जो था दोस्तों ये इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को किया था और इसके बाद इस योजना को 1959 में ही आंध्र प्रदेश में लागू किया गया था। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की देखरेख के लिए 27 मई 2004 को पंचायती राज जो मंत्रालय थे उनको एक अलग मंत्रालय बनाया गया था। याद रखिएगा दोस्तों, राजस्थान के बारे में बात हो रही है दोस्तों, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं इससे रिलेटेड। इसकी जो कैपिटल है कौन सी है बताइए? तो दोस्तों वह है जयपुर पिंक सिटी। ठीक है, सीएम कौन है यहाँ के? तो वो है अशोक गहलोत। ठीक है, गवर्नर है यहाँ के कलराज मिश्रा। और जो राजस्थान है दोस्तों, भारत गणराज्य का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है और माउंट आबू और विश्वविख्यात दिलवाड़ा मंदिर जो है यहाँ पर सम्मिलित करते हैं। और दो वर्ड फेमस है यहाँ पर बाघ अभ्यारण्य, वो कौन कौन से है बताइए? तो दोस्तों वह है रणथंबोर और सरिस्का। याद रखिएगा सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान में राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत को समावेश करने का उद्देश्य किस कहाँ स्थापित करना है? बताइए क्या स्थापित करना है? तो दोस्तों वह है सामाजिक लोकतंत्र। ओके, ये जो है राज्य के नीति निदेशक तत्व, इनको भाग 4 के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 में राज्य के नीति निदेशक करने वाले तत्वों का उल्लेख किया गया है। और ये जो संकल्पना है दोस्तों आयरलैंड के संविधान में अभिप्रेरित है, याद रखिएगा दोस्तों। और दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो एसएससी मेकर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ग्रामीण भूमि विहीन परिवारों के लिए आम आदमी बीमा योजना की शुरुआत किसने की? बताइए कौन थे वह? तो दोस्तों वह थी LIC। ठीक है, LIC ने किया था। ये जो है भारतीय जीवन बीमा निगम या LIC भारत की क्या है? सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है और देश की सबसे बड़ी क्या है? निवेशक कंपनी भी है। ठीक है, ये जो पूरी तरह से क्या है दोस्तों, ये कंपनी भारत सरकार के स्वामित्व में है और इसकी जो स्थापना हुई थी वह कब हुई थी बताइए? तो दोस्तों वह हुई थी 1 सितंबर 1956 में। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है बताइए? तो दोस्तों वह है मुंबई में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, श्वेत रुधि राणु, सॉरी दोस्तों इसको करेक्ट कर लीजिएगा, श्वेत रुधि राणु का मुख्य उद्देश्य क्या है बताइए दोस्तों? तो वह होता है संक्रमण से लड़ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म मरुस्थलों में और इसके आसपास धूल भरी हवा से निर्मित होने वाली मिट्टी को क्या कहते हैं? बताइए क्या कहलाती है वह? तो दोस्तों वह कहलाती है रेतीली मिट्टी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक डेविल कप किससे संबंधित है? बताइए दोस्तों किससे है वह रिलेटेड? तो उसका रिलेशन है फुटबॉल से, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस देश में निम्न आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक होती है उस देश में क्या होता है दोस्तों बताइए? तो उस देश में जन्म दर जो है अधिक होता है। ठीक है, जन्म दर अधिक होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, LTO का विस्तारित रूप क्या है? फुल फॉर्म बतानी है दोस्तों? तो वह होता है लॉन्ग टर्म ऑपरेशंस, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेजर के समर्थन में वैज्ञानिक सिद्धांत को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? बताइए दोस्तों कौन थे वह? तो वह थे मैक्सवेल, याद रखिएगा। और दोस्तों ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल ना भूले, आप सभी जानते हैं शेयरिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग, तो शेयर जरूर करें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऊंट परिवार की एक जाति यानी स्पीसीज लाइमस कहाँ पाई जाती है? बताइए दोस्तों कहाँ पर मिलती है वह?
तो वह है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में, अमेरिका में सॉरी, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, गन्ने में पाई जाने वाली लाल बीमारी किसके कारण होती है बताइए। तो वह होती है कवक के कारण। ओके, ये जो होता है गन्ना, लाल सरण रोग होता है क्लोटो ट्राइकम फेल्टेटम, ठीक है, ये जो इस नामक का जो फफूंद होता है उसके द्वारा होती है, ठीक है। और जो दोस्तों प्रभावित पौधे होते हैं, पौधों की तीसरी और चौथी पत्तियां पीली पड़कर क्या होती है दोस्तों, सूखने लगती है, ठीक है। और फिर क्या होता है उसमें गन्नों की गांठें जो होती है, गन्नों की गांठों तथा छिलकों पर फफूंदी के जो बीजाणु होते हैं वो विकसित हो जाते हैं, और लाल सरण से जो है ग्रसित जो गन्ने होते हैं उनको फाड़ने पर इसके आंतरिक उत्तकों पर लाल रंग के बीच में सफ़ेद रंग के धब्बे प्रतीत होते हैं, और फिर जो गन्ना है, गन्ने का पूरा जो गुदा होता है लाल भूरे फफूंद के धागों से भर जाता है, और सूखने पर जो है दोस्तों अल्कोहल जैसी गंध आती है, ठीक है, याद रखिएगा स्मेल आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रघुबीर सिंह मेमोरियल कप किससे संबंधित है बताइए, इसका रिलेशन किससे है दोस्तों। तो वह है फुटबॉल से रिलेटेड, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संवहन का प्रतिरोध डैश पर अवलंबित रहता है बताइए, किस पे होता है संवहन का प्रतिरोध अविलंबित। तो दोस्तों वह होता है पदार्थ पर, उसकी लंबाई और उसकी अनुप्रस्थ परिच्छेद पर, यानी इन सभी से, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब दो गैसों को मिश्रित किया जाता है तब एंट्रोपी क्या करती है दोस्तों, तो वह बढ़ जाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों से संबंधित है बताइए, इसका रिलेशन किससे है। तो दोस्तों वह दिया गया है अनुच्छेद 40 में। ओके, ये जो था दोस्तों ब्रिटिश शासनकाल में 1882 में तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड रिपन, ठीक है, उन्होंने स्थानीय स्वायत्त शासन की स्थापना का प्रयास किया था, और संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्यों को पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया था, ठीक है। दोस्तों जो राजस्थान था वह प्रथम राज्य है जहाँ सर्वप्रथम संपूर्ण राज्य में पंचायती राज का स्थापना की गई थी, ठीक है। फिर 1993 में संविधान में 73वें संविधान संशोधन विधेयक पंचायती राज के लिए तथा 74वां नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए किया गया था, याद रखिएगा सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा तांबे का अयस्क नहीं है बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। कॉपर का जो अयस्क होता है दोस्तों वह होता है क्यूप्राइट, जिसका फॉर्मूला होता है Cu2O, ठीक है। नेक्स्ट होता है दोस्तों कॉपर ग्लांस, उसका फॉर्मूला है Cu2S, और एक और है दोस्तों वह है कॉपर पाइराइट, जिसका फॉर्मूला है CuFe, ठीक है, S2, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मध्यकालीन भारत की पहली महिला शासक कौन थी दोस्तों, आप सभी जानते होंगे, तो वह थी रजिया सुल्तान। ओके, इनका जो कार्यकाल था दोस्तों वह था 1236 से लेकर 1240 तक, ठीक है। ये कौन थी, दिल्ली की प्रथम व अंतिम जो मुस्लिम महिला शासिका थी, और वह जो थी दोस्तों इल्तुतमिश की पुत्री थी, ठीक है। इनका जो दोस्तों इन्होंने दिल्ली संतलत पर शासन किया था कब से कब तक, 1236 से लेकर 1240 तक, ठीक है। और जो इनके पिता थे इल्तुतमिश, वह कौन थे, इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। वह जो थे उन्होंने कुतुब मीनार का जो था उनको बनवाकर उसका निर्माण पूरा किया था और राज्य को सुदृढ़ व स्थिर बनाया था। इसके अलावा उन्होंने 40 योग्य तुर्क सरदारों के एक दल चालीसा का गठन किया था, और तांबे का चांदी का जो टका था और तांबे का जीतल नामक सिक्के चलाए थे, याद रखिएगा दोस्तों। उनका कार्यकाल था 1210 से लेकर 1236 तक, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, इसलिए आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द्वितीय वैज्ञानिक स्टेशन मैत्री कहाँ स्थित है बताइए दोस्तों। तो वह है अंटार्कटिक में,
ठीक है, ये जो है मैत्री अनुसंधान केंद्र अंटार्कटिक में भारत का दूसरा स्थायी अनुसंधान केंद्र है, और इसका जो निर्माण था वह हुआ था दोस्तों 1989 में, ठीक है। इसके बाद जो भारत के पहले अनुसंधान केंद्र थे दक्षिण गंगोत्री को छोड़ दिया गया और वह बर्फ के नीचे दब गया था। मैत्री जो था पूर्वी अंटार्कटिक के जो था रानी मोड धरती क्षेत्र में शिरमाकर ओयक नामक जो था एक पथरीले पठारी इलाके में स्थित है, याद रखिएगा दोस्तों। और दोस्तों ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और क्वेश्चन के लिए एसएससी मेकर को आप अपने दोस्तों के साथ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हर सोशल साइट पेज पे कीजिए, ठीक है, हर सोशल साइट्स पेज पे, ताकि आपके साथ साथ दूसरों की भी हेल्प हो सके, तो दूसरों की भी हेल्प कीजिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, बताइए दोस्तों। तो वह मनाया जाता है विश्व आर्द्रभूमि दिवस, ठीक है। इसमें दिया हुआ है दोस्तों विश्व मौसम विज्ञान दिवस, ये कब मनाया जाता है बताइए। तो यह मनाया जाता है दोस्तों 23 मार्च को, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों इसमें राष्ट्रमंडल दिवस, ये कब मनाया जाता है बताइए। तो वह मनाया जाता है 24 मई को, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों इसमें सशस्त्र सेना झंडा दिवस, ये कब मनाया जाता है बताइए। तो दोस्तों यह मनाया जाता है 7 दिसंबर को, याद रखिएगा दोस्तों सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट डेट्स, ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अजर्नी पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए दोस्तों किसने लिखी है यह है? तो यह लिखी है टोनी ब्लेयर ने, याद रखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये थे जनरल अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट टॉप 20 MCQ। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया है, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पसंद आया तो अपने स्टडी रिलेटिव ग्रुप में शेयर ज़रूर करें, और एसएससी मेकर को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच दोस्तों।